प्रणिपात दोस्तों दोस्तों ये प्रॉब्लम सबको देखने को मिली है कि अभी लोन से काफी सारे लोगों को लोन नहीं मिल रहा है कॉलेज के लिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों एंड स्टूडेंट मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ, पूरा प्रॉब्लम इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। यहाँ देखो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है, देखो यही प्रॉब्लम हो रहा होगा, आप लोग को लोन नहीं मिल रहा होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए, गैलगोटियाज यूनिवर्सिटी के लिए और भी काफी सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी होंगे। देखो प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपसे सीनियर हूँ, ठीक है, मैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहा हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन लेकर के। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उसको लोन प्रोवाइड करने के चक्कर में जो अभी एडमिशन ले रहे हैं इसके कारण पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है। तो मैं अभी आप लोग को ये दावा नहीं कर सकता कि आपको जो लोन मिलने वाला है वो पोस्टपोन्ड कब तक रहेगा। हाँ, आपको मैं ये कह सकता हूँ कि आपको हर एक महीना दो दो महीना ज्यादा करके चेक करते रहना होगा कि सर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, गैलगोटियाज यूनिवर्सिटी के लिए लोन डीआरसीसी दे रही है कि नहीं दे रही है बिहार डीआरसीसी, ठीक है। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको जाकर के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं गया था लोन लेने तो हमको भी बोला गया था। तो देखो स्टूडेंट एक्चुअली अभी क्या हो रहा है कि अब जब तक डीआरसीसी ये कंफर्म नहीं कर दे कि इस कॉलेज को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तब तक आप लोग भी कंफ्यूजन में रहोगे। कंफ्यूजन ये रहेगा कि हम कब तक वेट करें, समय भी जा रहा है, टाइम भी यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, हम कब तक वेट करें। तो इसके लिए तो आपको खुद सोचना पड़ेगा सबसे पहली नंबर बात, क्योंकि जब तक डीआरसीसी अप्रूवल नहीं देगा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को हम लोन दे या फिर नहीं दे तब तक आपको कुछ नहीं आप लोग कर सकते। तो स्टूडेंट मैं अपनी कहानी आप लोग को बताता हूँ, मैं 2022 के बैच का स्टूडेंट हूँ और मेरे को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से MCA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना था और मैं बिहार मुजफ्फरपुर DRCC गया था। तो वहां पे पता चला कि जो लोन प्रोवाइड कर रही है DRCC चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को वो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉर्मल के लिए कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नहीं कर रही है। तो इस बात को सुनकर के मेरा दिमाग घूम गया कि भैया जब MCA को पैसा दे रही है तो MCA के स्पेशलाइजेशन कोर्स में क्यों नहीं दे रही है, मेरे को ये समझ में नहीं आया। तो मैंने कॉलेज में बात करी, मैंने अपने पिताजी से बात करी, मैंने DRCC के जो मतलब बैठते हैं उनसे बात करी, मतलब काफी बात करना पड़ा, काफी चप्पल घिस गया, मैं सही बोल रहा हूं, चप्पल घिस गया था, इधर उधर काफी दौड़ना पड़ा। बट मेरा जो एक दोस्त था वो भी मतलब उसको भी करवाना था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो वो नहीं करवा पाया इसी कारण, लेकिन मैं लगा रहा, मैं दौड़ धूप करते रहा तब जाकर के मेरा हो गया, क्योंकि मेरे को पता था कि हाँ दोस्तों जब MCA में पैसा मिल रही है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी मिलेगी। तो दोस्तों इस कारणवश मैं लगा रहा तो मेरा अप्रूवल मिल गया, हमको मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लोन मिल गया, जो कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे हो। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है। एंड दोस्तों जल्दी से आप लोग क्या करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो स्टूडेंट लोन ले पा रहे हैं जिनको मिल गया है उसको उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि ये सबसे डेंजर है। सेकेंड सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में पैसा नहीं आता है तो स्टूडेंट को बोला जाता है कि आप अपने जेब से पैसा भरिए, समय स्टूडेंट बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन सभी का छुटकारा पाने के लिए मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा कैसे क्या करना होता है, तो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन। तो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को बता दूं कि करना क्या है। सबसे पहली नंबर बात की आपको DRCC जा करके चेक करना होगा अगर आपके पास टाइम है, तो टाइम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको दूसरा कॉलेज देखना होगा या फिर DRCC में जो लिस्ट लगा हुआ रहता है दोस्तों कि किस किस कॉलेज को हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उसी कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना होगा और उससे पढ़ाई करना होगा। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पिछले सेशन का मैं स्टूडेंट हूं, तो अप्रैल मंथ में मैंने अप्लाई कर दिया था, ठीक है, और उस समय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का पोस्टपोन्ड था लेकिन मैं पहले ही अप्लाई कर दिया था और इस प्रोसेस में पूरे के पूरे 3 महीने लग गए थे। तो जब 3 महीने हो गए थे तो DRCC क्या किया था कि अप्रूवल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को दे दिया था, मेरे को पता नहीं था कि एक्चुअल किस डेट को हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन भी था मेरे पास लेकिन पहला ऑप्शन तो यही था कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लेना है। तो इस 3 महीने के प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट मेरा अप्रूवल मिल गया था, जो कि मैं अभी लोन लेकर के पढ़ाई कर रहा हूं। और अभी के इस समय में जो बच्चे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं और उनको लोन प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो आप लोग क्या करो, एक काम कर सकते हो कि अप्रूवल करवाने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, बट मैं तो कहूंगा कि अभी ही एडमिशन लेकर के बोनाफाइड वगैरह मंगा करके जा करके उनको दे दो, नहीं तो कम से कम अभी 2-3 महीने टाइम है आप लोग के लिए भी। तो इस प्रोसेस में कहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को DRCC फिर से लोन प्रोवाइड कर दे, मैं दावा नहीं कर रहा हूं बस मैं ऑप्शन दे रहा हूं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि करियर की बात है यहां पे।
तो स्टूडेंट यही सब कुछ प्रोसीजर है जो कि आपको फॉलो करना है। और वैसे भी अभी मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमसीए कर रहा हूं, मैं अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही हूं। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं मैं यहीं पे बना रहा हूं दोस्तों, तो कोई भी दिक्कत है और मैं बिहार से हूं ऑफिशियली, कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट मारिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पे फॉलो कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है भाई से पूछ सकते हो, ठीक है। एंड मैं अभी यही बोलूंगा कि आप लोग भी अप्रूवल दे करके रखो, सेकेंड ऑप्शन में भी कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करके रखो कि डीआरसीसी मुजफ्फरपुर डीआरसीसी या फिर सीतामढ़ी डीआरसीसी या फिर हाजीपुर डीआरसीसी या फिर बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का किसी भी डीआरसीसी अप्रूवल नहीं दे रहा है तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचे। ये सब तैयारी करके रखो, पहले से ही तैयारी करके रखो और कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो। तो स्टूडेंट मैं उन लोगों को अभी यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग अभी एडमिशन वगैरह लेने वाले हैं तो बस आप लोग हल्का सा ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी टॉपिक्स वगैरह छूट गई है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में जो कि स्टूडेंट रिलेटेड हेल्प कंटेंट ही इस चैनल पे अपलोड होती है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।